क्वेश्चन नंबर तो इसको हम लिखेंगे तो so, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रही हूं तो वन प्लस माइनस साइन थीटा तो हम क्या करेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये ये आ जाएगा है तो उसके से कर देंगे तो तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये देखो ये होल स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है तो वन प्लस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर अपॉन तो ये देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन रहा है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको होल स्क्वेयर को खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वेयर तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी तो नीचे भी इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का तो इसको खोल लेंगे वन प्लस कॉस का स्क्वेयर थीटा प्लस टू कोस ठीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तो इसकी भी आइडेंटिटी खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन तो ये आ जाएगा वन प्लस प्लस थीटा 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 टू कॉस माइनस साइन स्क्वेयर अब ये देखो यहाँ पे ये जो कॉसक्र प्लस साइन स्क्वेयर बन रहा है ये तो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे कॉसक्वेर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल होता है वन के तो ये इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीठा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीठा और नीचे लिख देंगे तो नीचे क्या आ रहा है देखो तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीठा तो इसको सॉल्व करेंगे वन प्लस वन कितना होता है टू प्लस टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे देखो तो यहाँ पे ये जो वन माइनस साइन स्क्वेयर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा अगर ये आइडेंटिटी है कॉसक्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इक्वल टू वन तो वन माइनस साइन स्क्वेर थीटा किसकी इक्वल है कॉसक्वेयर थीटा के तो यहाँ मैं वन माइनस साइन स्क् की जगह लिख दूंगी कॉसक्वेर थीटा प्लस कॉसक्वेर थीटा प्लस टू कॉस थीटा तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू कोस थीटा साइन थीटा अपॉन तो ये देखो वन प्लस वन कितने हो जाएंगे टू कॉसक्वेर थीटा प्लस टू कॉस थीटा अब टू दोनों साइड जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा टू कॉमन तो ये आ जाएगा कॉसक्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा टू के साथ टू कैंसिल तो ये आ जाएगा। देखो वन प्लस थीटा तो एज इट इज ही लिख देंगे साइंस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा में जो कॉमन आ रहा है वो है साइन तो साइन थीटा बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस को स्थिर यहां पे नीचे देखो तो को थीटा कॉमन आ रहा है तो कोसठीटा प्लस वन तो यहाँ देखो ये फैक्टर बन रहे हैं तो एक बार हम वन प्लस कोस थीटा लेंगे एक बार वन प्लस साइन थीटा अपोन वन प्लस को स्थिटा तो कोस थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास वन प्लस साइन थीटा अपोन कोस थीटा तो यही आंसर हमें चाहिए था थर्टी फोर का सेकंड देखते हैं थीटा 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 वो इक्वल किसके डिवाइड तो right कर देंगे तो पहले लिखेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको को से मैं डिवाइड कर रही हूँ तो साइन थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा तो ये देखो ये जो साइन बाय कोस है वो किसके इक्वल होता है तो साइन बाय कोस थीटा वो टेन थीटा के इक्वल होगा तो इसको हम लिख देंगे टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा तो ये जो वन पोन थीटा है ये रेसिप्रोकल किसका है सेक थीटा का नीचे लिख देंगे टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा तो इसको भी मैंने रेसिप्रोकल में चेंज किया है तो वन पोन को किसके इक्वल है वह सेक थीटा के तो इसको अब हम लिख लेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस सेट ठीटा प्लस वन तो इसको हम ये क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो टेन थीटा माइनस सेट ठीटा से करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास ये जो आंसर है वो बन सके तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय टेन थीटा माइनस सेट ठीटा तो इसको लिख देंगे tan theta plus sec theta minus one upon tan theta minus sec theta plus one तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan theta minus sec theta थे न्यूमिनेटर में भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a plus b a minus b लग रहा है तो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक्स स्क्वेयर थीटा तो अगर इसको माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक्स थीटा अपॉन ऐसे ही नीचे देखेंगे तो ये होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वेयर प्लस टेन थीटा माइनस थीटा तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन रही है आइडेंटिटी कौन सी है जो सेक्स थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा है वो किसके इक्वल है वन की तो यहाँ पे टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक्स स्क्टा लिखा है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका ऐसे लिखा है ये टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक्स स्क्टा तो ये माइनस वन के इक्वल होगा तो यहाँ पे यहाँ पेटा माइनस वो किसके इक्वल है माइनस वन के तो यहाँ माइनस वन लिख देंगे माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेट ठीटा अपोन तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो टेन थीटा माइनस सेट ठीटा है वो उसको कॉमन ले लेंगे अंदर क्या आएगा इसका टेन थीटा माइनस सेट ठीटा प्लस वन ऊपर में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अब ये देखो ये सारी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है और आंसर क्या आएगा हमारे पास माइनस वन अपोन टेन थीटा माइनस सेक थीटा बट जो राइट हैंड साइड में था वो क्या है वो है माइनस वन तो इसमें माइनस कॉमन ले रही हूँ तो सेन थीटा तो ये राइट हैंड साइड में यही था तो ये हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का थर्ड पार्ट को सीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन अपॉन को सीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू को सेक थीटा प्लस कोट थीटा तो इसको भी हम पिछले सम की तरह ही देखेंगे तो क्या करेंगे ये जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड को भी उसके इक्वल बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉस थीटा है उसको मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगी फिर ऊपर लिखा है ये जो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा तो अपॉन साइन कितना हो जाएगा वो हो जाएगा को थीटा माइनस वन प्लस तो वन अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है वो है कोसेक थीटा का तो ये देखो ये वही फॉर्म बन रही है जैसे राइट हैंड साइड पे है तो नीचे वाले को भी चेंज करेंगे तो थीटा प्लस वन माइनस कोसेक थीटा तो इसको लिख लेंगे कॉथीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन अपोन कॉथिटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग तो डिवाइडिंग किससे करेंगे ये जो थीटा है को थीटा इसके ऑपोजिट साइन से ले लेंगे कॉथीटा प्लस कोसेक थीटा तो वो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा को थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन अपोन को थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन इंटू को प्लस कोसेक थीटा अपोन को थीटा प्लस कोसेक थीटा, को थीटा, को थीटा तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा को थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वेयर आएगा माइनस को थीटा प्लस कोसेक थीटा तो नीचे जो है नीचे ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी की तो यहाँ आ जाएगा कोर स्क्वेयर थीटा माइनस कोसेक्स स्क्वेयर यहाँ पे जब वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोर थीटा प्लस कोसेक थीटा तो ये जो है कॉर स्क्वेयर माइनस कोसेक्स स्क्वेयर ये एक आइडेंटिटी भी बन रही है वो आइडेंटिटी क्या है कोसेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस कोर स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन तो ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इस साइड लिखा है प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन तो जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस वन के तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस वन प्लस को थीटा प्लस कोसेक थीटा तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये आंसर जो आएगा वो है कोसेक थीटा प्लस को थीटा तो ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के थर्टी फोर का फोर्थ पार्ट देखते हैं साइन थीटा प्लस, कोस थीटा, थीटा प्लस, तो प्लस कोसे तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वो क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो ये जो टेन है टेन को हम साइन बाय कोस में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपोन थीटा कोस थीटा अपोन साइन थीटा तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो यहां एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वे थीटा प्लस को स्क्वे थीटा तो साइन स्क्सक्ट थीटा प्लस साइन स्क्टा वो किसके इक्वल है one के। तो ये एक identity है, यहां पे अप्लाई करेंगे इसको तो ये लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा तो अब हम क्या करेंगे इसको से सेपरेट कर देंगे तो पहले साइन के नीचे लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा थीटा तो साइन के साथ साइन कैंसिल के साथ कैंसिल तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा तो वन अपॉन कोस किसका रेसिप्रोकल प्रोकल होता है सेक थीटा का और वन अपॉन साइन थीटा किसका होता है कोस सेक थीटा तो यही था आंसर राइट हैंड साइड पे तो हम लिख देंगे ये किसकी इक्वल है राइट हैंड साइड की क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थीटा 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 तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे लिख रही हूँ ये जो वन प्लस है वन की जगह मैं आइडेंटिटी लिखूंगी सेक थीटा का वो सेक की जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है सेक्स थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा तो अपोन तो इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो इसको यहां देखो तो ये जो आइडेंटिटी लगी थी सेक्स थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला भी बन रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस तो एक बार ये माइनस में आ जाएगा और एक बार प्लस में तो इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे अपोन वन प्लस प्लस टेन थीटा तो यहाँ पे देखो ये जो सेट थीटा माइनस टेन थीटा है वो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे अंदर क्या आ जाएगा वन प्लस सेट थीटा प्लस टेन थीटा अपोन तो ये आ जाएगा और नीचे वन प्लस सेट ठीटा प्लस टेन थीटा अब ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल प्रोकल होता है वन अपोन कोस थीटा तो टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन अपोन कोस थीटा तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के